जय श्री कृष्ण। असुर बाली की कृपा से प्राप्त त्रिपुरासुर भयंकर असुर बन गया था। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा बड़े ही विस्तार से मिलती है। भगवान कार्तिकेय द्वारा ताकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और हजारों वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो, उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए तीन पुरियों का निर्माण कर दें और वे तीनों पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। शर्त के अनुसार उन्हें तीन पुरियां प्रदान की गयी। तारकश के लिए स्वर्णपुरी, कमलाश के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लोहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता है। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए सातों लोकों को आंतिक कर दिया। वे जहाँ भी जाते समस्त सत्य पुरुषों को सताते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। सभी देवताओं ने मिलकर अपना सारा बल लगाया लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके और अंत में सभी देवताओं को तीनों से छुप छुप कर रहना पड़ा। अंत में सभी को शिव की शरण में जाना पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, सब मिलकर प्रयास क्यों नहीं करते। देवताओं ने कहा, यह हम करके देख चुके हैं। तब शिव ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ और तुम फिर प्रयास करके देखो। लेकिन संपूर्ण देवता सदाशिव के आधे बल को संभालने में असमर्थ थे। तब शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि, यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाणों से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए। आंसू जहां गिरे वहां रुद्राक्ष का वृक्ष उग गया। रुद्र का अर्थ शिव और अश का आंख अथवा आत्मा है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।